हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपने देखा रखा होगा एक जोमैटो और ब्लिंकिन का जो एड बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप स्टेटस में, लोग उसको इतना ज़्यादा वायरल कर ही जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि उस एड में लोग अपनी कंपनी का भी प्रमोशन कर रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ऊपर जोमैटो और ब्लिंकिन का एड है, उसी पोस्टर में नीचे लोगों ने अपनी कंपनी का भी नाम लोगो वगैरह लगा रखा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। आपके माइंड में ज़रूर आ रहा होगा इस टाइप का पोस्टर अपनी कंपनी के लिए कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं आप अपने फ़ोन से। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ इस टाइप का जो है पोस्टर अपने फ़ोन से आप बहुत इसी तरीके से डिजाइन कर पाएं। कुछ नहीं करना है आपको, खाली नाम वगैरह डालना है और सारा काम हो जाएगा। सो दोस्तों हम चलते हैं अपनी फोन की स्क्रीन तरफ और देखते हैं कि इस टाइप का जो है पोस्टर अपने नॉर्मली फोन से कैसे डिजाइन कर सकते हैं और अपनी कंपनी को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी फोन की स्क्रीन की तरफ। हेलो वेलकम दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो हम लोग आ चुके हैं अपनी फोन की स्क्रीन की तरफ। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो इस फोटो में, जैसे कि दूध मांगोगे दूध देंगे ये ब्लिंकिन का ऐड है, और खीर मांगोगे खीर देंगे ये जोमेटो का, और नीचे ही मैंने अपना ऐड बना दिया अपनी चैनल सब्सक्राइब करोगे वीडियो हम देंगे और नीचे चैनल का है। इसी जैसे जहाँ पर मैंने अपने चैनल के लिए लिखा है, यहाँ पर अपनी कंपनी का आप लिख सकते हैं, अपनी कुछ भी कंपनी हो बिजनेस हो उसका लोगो वगैरह नाम वगैरह आप इससे भी स्लोगन इसमें भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक मोबाइल ऐप की जिसका नाम है पिक्चर एडिटर, ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा और मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, और जो ये इमेज है इसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से इस इमेज को आपको डाउनलोड कर लेना है। जहाँ से आप इमेज को डाउनलोड करेंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी उस ऐप की जो मैंने डाउनलोड किया है, तो आपको सिंपली वो ऐप को ओपन कर लेना है। जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन इमेज का लिंक दिया है जिसको आपको एडिट करना है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। जैसे कि आप नीचे बार में बहुत सिंपल है, आपने काफ़ी लोगों ने इस ऐप को यूज़ किया होगा, नहीं किया तो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो कॉर्नर से बगल में ही एक ऑप्शन, तो यहाँ पर लिख के आएगा फ्रॉम गैलरी, तो यहाँ पर फ्रॉम गैलरी पर आपको क्लिक कर देना है और वो उस फोटो को आपको ले लेना है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जिस फोटो का। तो आपको यहाँ पर ये एक्स्ट्रा टेक्स्ट है इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा वो फोटो पूरी आ चुकी है। अब यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी एक हमको, इसके बगल में आप एक ऑप्शन देखेंगे, इस पर लिख के आएगा शेप्स, शेप्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक शेप्स मिल जाएगा और यहाँ पर राइट पर क्लिक कर देंगे। अब क्या करना है, अब आप इसको थोड़ा सा छोटा करना है, इस टाइप से आपको छोटा कर देना है, जैसे कि आप देख पा रहे हो इस टाइप से आपको यहाँ छोटा कर देना है, ये यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा और छोटा करेंगे ये, ठीक। आप अपने हिसाब से इसको मिला सकते हैं, मैंने बिल्कुल ही, हाँ देखिए अब ये बिल्कुल ही मिल चुका है, मैच हो चुका है। अब इस पे हम लिखेंगे अपनी कंपनी का नाम, आप अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से अब हम जाएंगे ए वाले ऑप्शन पे, यहाँ पर करेंगे टेक्स्ट पर क्लिक और यहाँ पर एक नया टेक्स्ट हमको मिल जाएगा। जैसे अब इसमें क्या करना है, लिख देना है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यूट्यूब चैनल, यहाँ मैंने YouTube चैनल लिख दिया और इसको थोड़ा नीचे कर देता और ये आ गया। अब यहाँ पर ये YouTube चैनल लिख चुका है। अब यहाँ पर अपने हिसाब से आप अपनी कंपनी का लोगो भी डाल सकते हैं। अगर कंपनी का लोगो डालना है उसके लिए आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी में क्लिक करेंगे तो यहाँ से अपनी एक कोई भी फोटो वगैरह ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यही फोटो ले ली और इसको वहाँ पर अपनी इजिली, जैसे मान लीजिए ये लोगो ही है और इसको यहाँ पर आराम से इस लोगो को कहीं पर सेट कर सकते हैं, मतलब फोटो जैसे कि मैंने अपनी फोटो ली है इसकी जगह आप लोगो ले सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको अगर टेक्स्ट को थोड़ा सा आपको बड़ा करना है, मान लीजिए बड़ा करना है, तो आप जाएंगे स्टाइल वाले ऑप्शन पर, स्टाइल वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो बी पर क्लिक कर दीजिए, आपका जो है टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर आपकी आपकी कंपनी का नाम हो सकता है। देन अगर इस बैकग्राउंड का आपको कलर चेंज करना है, जो वाइट मैंने पीछे लगाया है उसका अगर आपको कलर चेंज करना है, तो यहाँ पर जाके आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आपको मिलेगा कलर, कलर पर क्लिक करते ही आपका कलर चेंज होगा। नीचे से आप जौन सा कलर आपको अच्छा लगे, मान लीजिए ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, उसमें से आप अपने हिसाब से कलर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ अगर इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो ए वाले पे ऑप्शन पे जाइए और कलर पर क्लिक कर दीजिए और आप ईजिली यहाँ से अपने उसका टेक्स्ट का कलर चेंज कर पाएंगे। इस तरीके से आप अपने कंपनी का नाम लिख सकते हैं बहुत ईजिली तरीके। अब रही बात सेव करने की, तो यहाँ पर प्लस के आइकन के बगल में आप देखेंगे सेव इमेज पर आप क्लिक करेंगे और आपकी जो है सेव टू गैलरी में क्लिक करके सेव हो जाएगी। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी ये जो इमेज है
ये हमारी गैलरी में सेफ हो चुकी है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो कुछ इस टाइप से आप अपने कंपनी के लिए, अपने बिजनेस के लिए ऐसा ऐड आप भी बना सकते हैं और अपने ऐड को वायरल कर सकते हैं, स्टेटस वगैरह पर लगा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपको इन सब इमेज का और उस ऐप का डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली इसको डाउनलोड कर। अगली वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए टाटा एंड बाय बाय।